धनबाद में गिरती विधि व्यवस्था और रंगदारी के खिलाफ आज धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम सदस्य आज कार्यालय पहुंचे और इस बात को लेकर एक अहम बैठक की गई है। आने वाले समय में कैसे इस प्रकार की समस्या से निजात मिले, इसको लेकर बंदी को लेकर कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई है। खास बात यह है कि इसमें न सिर्फ जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य और अध्यक्ष थे बल्कि साथ ही साथ कई अलग अलग फेडरेशन के लोग भी आए हुए थे। आइए हम सीधा इनसे बातचीत करते जानते हैं कि आज की इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि 1 नवंबर से ये जो है ये तमाम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर जाएंगे, अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। सीधा हम बातचीत करते हैं और जानते हैं विस्तार से कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। गत शनिवार के दिन बैंक मोड़ हृदय स्थल पर मात्र थाना से 100 गज दूरी पर दीपक अग्रवाल के ऊपर जो गोली चलाई गई, इसके विरोध में धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अनिश्चितकालीन बंदी की घोषणा की है। चूँकि ये घटना लगातार जो है कई जगह हो चुकी है, सलूजा मोटर में, खालसा में, बिहारीलाल चौधरी में कई जगह इस टाइप की घटना हो चुकी है, तो इस घटना को रोकने के लिए हम लोग धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अनिश्चितकालीन बंदी की घोषणा किए हैं। मैं जिला प्रशासन से यह मांग करता हूँ वो अपनी बातों को रखे कि वो व्यापारियों को सुरक्षा कैसे देंगे। हम लोगों का मेन मुद्दा है सुरक्षा, हम लोगों को सुरक्षा चाहिए, वो कैसे सुरक्षा देंगे जब तक वो सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं और इस तरह का सिलसिला बंद नहीं होता। हम लोग अभी अनिश्चितकालीन के लिए जो है बंद की घोषणा की है। इसमें जो है अपना ड्रग एसोसिएशन का समर्थन है, पेट्रोलियम एसोसिएशन का नैतिक समर्थन है, धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन का भी समर्थन है इसमें, और भी कई लोगों से हमारी बातचीत चल रही है, तो काफ़ी संस्थाओं का भी इसमें समर्थन है। आईएमए का समर्थन है हम लोग को, केवल इमरजेंसी जो खुली रहेगी, बाकी जो है सर्विस सारी बंद रहेगी। और बात हो रही है सुरक्षा की कि हम लोगों को सुरक्षा प्रशासन द्वारा कैसे दिया जाए। देखिए, पूरे धनबाद के लिए ये चिंता का विषय है, ये सिर्फ चैम्बर की समस्या नहीं है। एज ए धनबादियन हम लोग धनबाद में रहते हैं, हमारी पैदाइश धनबाद में है और आज 60 साल की उम्र हो गई है। इस तरह का माहौल धनबाद में हमने कभी देखा नहीं था। धनबाद को ज़रूर लोग जानते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर और माफिया के नाम से जानते हैं, लेकिन इस प्रकार का घटना धनबाद में कभी नहीं होता था कि आम व्यापारी जो है, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनसे कोई रंगदारी मांगे, उनसे इस तरह का प्रताड़ना करे, उनके ऊपर में गोली चलाए। ये घटना पहली बार हो रही है और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन को इस पूरे मामले को संजीदगी के साथ लेना चाहिए, इस पर जितना सख्त से सख्त कार्रवाई हो करनी चाहिए। हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं उसमें हम लोग भी हैं, पेट्रोल पंप वाले भी उसमें शामिल हैं, कैसे उनकी सुरक्षा हो, कैसे पेट्रोलिंग को बढ़ा करके करें। आज देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मार्केट एरिया है, तो मार्केट एरिया में मोबाइल पेट्रोलिंग जो है उसको स्टेशन करें। मेरा तो यही मांग है कि जो मोबाइल पेट्रोलिंग है इनका, हर वैसे चौक चौराहे पर स्टैंड बाई खड़ा कर दें, पुलिस के जीप को, इनके पास जो बाइकर वाले जो पुलिस वाले हैं, ताकि किसी भी प्रकार की घटना हो, लोग भाग जा रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, बाद में लोग पकड़ के लाते हैं, लेकिन उनका मनोबल बढ़ रहा है चूँकि वो घटनास्थल पर ना पकड़े जा रहे हैं ना मारे जा रहे हैं। अगर एक भी घटना हो गई, जिस तरह से बैंक मोड़ में जो सोने की लूट हुई थी उसमें एक अपराधी पकड़ा गया था, स्पॉट पर ही पकड़ा गया था, तो जब तक अपराधी स्पॉट पे नहीं पकड़ा जाएगा, इसके लिए पुलिसिंग कैसे व्यवस्थित हो, ये धनबाद का पुलिस विभाग है, उसका जिम्मेवारी बनता है। तो हमारी तो यही मांग है कि धनबाद पुलिस अपने को चुस्त दुरुस्त करे और रोड पे उनकी नाकाबंदी हर जगह, अभी पूजा का सीज़न है तो हर जगह एक बैरियर लगा के, चेक बैरियर लगा करके, ताकि कोई भी कहीं से स्किप नहीं कर सके। तो किस प्रकार से वो यहाँ के व्यापारियों की सुरक्षा देंगे, हमारी मांग वही है। और जो इन्होंने अनिश्चितकालीन बंद का घोषणा किया है, तो पेट्रोलियम व्यवसायी हमारा जो धनबाद का है कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, वो पूरी तरह से धनबाद चैम्बर के साथ है, उनको हमारा नैतिक समर्थन है। और अगर ज़रूरत पड़ा, इनकी मांगों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, तो फिर धनबाद के पेट्रोल पम्प भी हड़ताल पर जाएंगे, और अगर पेट्रोल पम्प हड़ताल पर गए तो धनबाद में प्रशासन के लिए एक ये कड़ा चुनौती होगा इससे निपटने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरा जो सुझाव है कि पुलिस प्रशासन जो है इसमें मुकम्मल तैयारी करके
और हमारे धनबाद के जो व्यापारी हैं, आम जन हैं, उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करें। देखिए, कल के आंदोलन को धनबाद के तमाम व्यवसायी, तमाम उद्योगपति समर्थन कर रहे हैं और जीटा भी इसके पूर्ण समर्थन का वादा निभाएगी जो कल बोला गया है। उस पर हम लोग पूरी तरह से, जो हमारे सदस्य हैं उनको सूचना भेजेंगे कि कल बंदी में वो समर्थन दें, और जो ये बंदी हो रही है अनिश्चितकालीन बंदी, इसमें हम लोगों का साथ रहेगा। धनबाद में गिरती हुई जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, आप लोग सब जानते हैं, पिछले 1.5 वर्षों से अधिक समय से यहाँ की स्थिति बिगड़ी है, और ये जो बिगड़ती स्थिति है इसमें सुधार एक कदम आगे और दो कदम पीछे वाली रहती है। कभी लगता है कि एक कदम आगे आए हैं लेकिन फिर तुरंत पता चलता है कि हम दो कदम पीछे की ओर चले गए। तो ये जो बैकफुट वाली स्थिति आ रही है, प्रशासन को कुछ ऐसे कदमों को उठाने की आवश्यकता है। ये तो जिला प्रशासन भी निर्णय ले सकता है, और जिला प्रशासन के स्तर से न हो तो राज्य सरकार कुछ करे, निर्णय ले, जिससे कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधरे। क्योंकि धनबाद न सिर्फ एक धनबाद जिला को कोलांचल नगरी के तौर पर सिर्फ राज्य में नहीं जाना जाता, पूरे देश में जाना जाता है। सबसे अधिक राजस्व देने में रेलवे धनबाद के कोयले से, या पूरे झारखंड के कोयले से 40% देश को बिजली मिलती है, और धनबाद एक बड़ा कुकिंग कोल का सेक्टर है जहाँ से पूरे स्टील प्लांटों को कोयला सप्लाई होती है, पावर प्लांट्स हो जाता है। अगर यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर अच्छी नहीं रहेगी तो आने वाले समय में यहाँ से कोयला सप्लाई भी बाधित होती है, यहाँ से जो रेलवे का कार्य है वो भी बाधित होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का इफेक्ट अल्टीमेट जा करके सब पे पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि जो आप आपको अछूता समझ रहे हैं वो अछूता है, आने वाले समय में इससे कोई अछूता नहीं होगा। आम जन इससे प्रभावित होगा, क्योंकि जब व्यापार इससे प्रभावित होगा तो आम जन पे भी उसका भरपूर असर पड़ेगा। देखिए, हम लोग धनबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का जो जिला चैम्बर द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया है अनिश्चितकालीन बंदी का, तो कल हमारी एक एग्जीक्यूटिव बैठक हम लोगों संगठन की थी। उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जिला चैम्बर की इस अनिश्चितकालीन बंदी में हमारा ड्रग एसोसिएशन धनबाद जिले का सभी दवा दुकानें, 1600 दवा दुकानें एक दिन की बंदी का हम लोग भी समर्थन दिए हैं। हम लोग की सभी दवा दुकानें एक दिन के लिए बंद रहेंगी। इमरजेंसी सेवा के लिए हॉस्पिटल के अंदर की जो दवा दुकानें हैं, नर्सिंग होम के अंदर की जो दवा दुकानें हैं, वो हम लोग बंद से मुक्त रखेंगे। और जनमानस की सुविधा को देखते हुए आपातकालीन स्थिति अगर वैसी कोई उत्पन्न होती है तो उसके लिए हमारे DCD के सभी पदाधिकारी खड़े हैं। जनमानस को किसी भी तरह की दवा से संबंधित हम लोग प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। IMA के भी अध्यक्ष सचिव से हम लोगों की बातचीत हुई थी, उन लोगों का भी समर्थन हम लोगों को मिला है, वो भी जो है बंदी की ओर जा रहे हैं। फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन को भी आमंत्रित किया गया था, और मैं धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन की हैसियत से, अध्यक्ष की हैसियत से अभी यहाँ इस बैठक में उपस्थित हुआ हूँ। और एक निर्णय हुआ है कि धनबाद में जो लगातार आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही है और व्यापारियों को लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, गोलियाँ चलना शुरू हो गई है, और आज के तारीख में ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई भी कहीं सुरक्षित नहीं है। अगर कोई दुकानदार अपने घर से दुकान जाने को निकला या दुकान बंद करके अपने घर को जा रहा है तो सुरक्षित पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। शासन प्रशासन नामक कोई भी चीज़ धनबाद में नहीं बची है, अपराधी बेखौफ अपराध को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस सुस्त है। ऐसे में हम लोगों ने एक निर्णय लिया था, चैम्बर ने निर्णय लिया है कि कल ही से एक अनिश्चितकालीन धनबाद बंद का आह्वान किया गया है, जिसका समर्थन धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन पूर्ण रूप से करती है। हम लोग चैम्बर के साथ खड़े हैं, चैम्बर का जो भी निर्णय होगा कदम से कदम मिला के चलेंगे। किसी बैंक में वाले ने फ़ोन किया कि आपकी कल की बंदी सफल हो, आपका कार्यक्रम धारदार हो, सफलीभूत हो, उसके लिए हम बैंक वाले भी आपका साथ देने को तैयार हैं। अगर आप विधिवत रूप से हमें पत्र देंगे कल की बंदी के लिए तो हम भी आपका साथ देंगे और अपने बैंक को उस दिन बंद रखेंगे। बस अब पत्र बन गया है, अभी हम लोग निकलेंगे और उनको जाके दे देंगे। हम लोग सिर्फ बैंक मोड़ क्षेत्र के बैंक को बंद करने के लिए कह रहे हैं, सब बैंक को नहीं। कि आज यहाँ पर इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि कल यानी कि 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल इन लोगों का जारी रहेगा। इसमें ना सिर्फ चैम्बर के लोग रहेंगे बल्कि साथ ही साथ इन्होंने बताया कि तमाम अलग अलग एसोसिएशन के लोग भी समर्थन में, अगर हम
बात करें पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का भी नैतिक समर्थन रहेगा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इसके बावजूद भी कोई सही फैसला नहीं लिया जाता है, अगर एक्शन में नहीं आती है यहाँ की प्रशासन, तो फिर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जितने पेट्रोल पंप है वो भी बंद रखे जाएंगे। फिलहाल इनका नैतिक समर्थन है, साथ ही साथ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का भी पूर्ण समर्थन है, यानी कि कल जितने भी मेडिकल शॉप्स है वो बंद रहेंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवा के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो सेवाएँ उपलब्ध रहेगी, ताकि किसी भी आम पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा इन लोगों ने इस बैठक में ये भी फैसला लिया है कि पिछली बार जब था तो कुछ क्षेत्र के जो दुकान थे और खास करके मॉल्स पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो मॉल्स हैं वो खुले हुए थे। इन लोगों ने बताया कि अब क्योंकि यहाँ पर फाइनल डिसीजन लिया गया है और लगातार जिस प्रकार से भाई की स्थिति बनी हुई है उसे लेकर एक फैसला यहाँ पर इन लोगों ने लिया है कि कल साफ तौर पर इनका जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो एक छोटे दुकान से लेकर बड़े मॉल तक, यहाँ तक कि जितने मेडिकल के शॉप से, तमाम इन सभी चीज़ों को बंद रखा जाएगा। साथ ही साथ ये कोशिश करना है कि जिस प्रकार से प्रिंस खान का आतंक अभी बाजार में बना हुआ है, चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो, IMA का भी इन लोगों को समर्थन है। इन लोगों ने बताया कि IMA भी अपना पूर्ण समर्थन दे रही है, यानी साफ तौर पर जो धनबाद की पब्लिक है वो डरी सहमी हुई है और यही वजह है कि अब एक्शन मोड में आ गई है। प्रशासन पर हावी होने के लिए फैसला लिया गया, देखते हैं किसका कितना असर देखने को मिलता है। और जो लगातार फायरिंग की और जो घटनाएं देखने को मिल रही है, गोली मारने की जो घटनाएं देखने को मिल रही है, इस पर कब तक अंकुश लग पाता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।